अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे 10 से 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स के लिए इस तरह का पार्टी मेकअप सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स के साथ करना बताऊंगी, जो वो खुद भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। मेकअप बेस के लिए बीबी क्रीम इस्तेमाल की है, जो फाउंडेशन, मॉइस्चराइज़र, कंसीलर और सनब्लॉक का काम भी करेगी, और जो ब्लशन यूज़ किया है मैंने वो आई शेड्स और हाइलाइटर का काम भी करेगा। इसके अलावा काफ़ी और ट्रिक्स भी बताई हैं मेकअप को खुद आसानी से करने की, और जो हेयर स्टाइल्स के बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। सो इस तरह के हेयर स्टाइल और इससे भी प्यारे हेयर स्टाइल्स खुद घर पर बनाने के लिए आप मेरी प्यारी सिस्टर का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, हेयर स्टाइलिंग विद नासरा, जो बच्चियों के छोटे और लंबे बालों के प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स बहुत आसानी से खुद बनाने के तरीके बताती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। मेकअप के लिए सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद फेस पर अप्लाई करूंगी एवेलाइन व्हाइट प्रेस्टीज 4D बीबी क्रीम, जो बहुत अच्छे से स्किन पर अप्लाई होती है, थोड़ी देर में ही स्किन के कलर के साथ मैच कर जाती है, क्योंकि ये फाउंडेशन नहीं है बल्कि क्रीम है जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, अप्लाई किए हुए पता भी नहीं चलती। लेकिन अगर आपको इसका शेड बहुत लाइट लग रहा है अपनी स्किन टोन से, तो एवेलाइन की ये मैटिफाइंग बीबी क्रीम यूज़ कर लें। इसका शेड जो है वो कंपैरेटिवली टू फर्स्ट वाली के थोड़ा सा डार्क है। इन क्रीम्स को ख़रीदने के ऑनलाइन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, और मेरे जो सरगोदा के व्यूवर्स हैं उनको ये तमाम प्रोडक्ट्स पंजाब मेगा मॉल से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। बीबी क्रीम को अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आपको किसी फेस पाउडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन नहीं है हम जिसे सेट करें, बल्कि ये खुद ही स्किन में एब्जॉर्ब होकर बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। इसके बाद हमारी मैजिक प्रोडक्ट आएगी, जो है गैबरिनी की टेराकोटा ब्लश ऑन, जो आई शेड, ब्लश ऑन और हाइलाइटर का काम बेस्ट करती है। जहाँ से थोड़ा सा ब्राउन शेड है आप वहाँ से कलर लेकर एज अ आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, और इस एज में गर्ल्स को वैसे भी बहुत ही लाइट और नेचुरल शेड जो है अपनी आंखों के ऊपर लगाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आई शेड लेकर मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी आंखों के ऊपर, और सेम कलर ही मैं लोअर लैश पर भी अप्लाई कर लूँगी। अब अगर बात करें आई लाइनर की, जो आंखों को खूबसूरत करने के लिए लगाया जाता है, तो छोटी गर्ल्स की आंखों पर मुझे शार्प आई लाइनर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम अपनी थर्ड प्रोडक्ट आप हमेशा वो बाय कर सकती हैं जिसमें कि ये ब्लैक आई शेड और ब्राउन आई शेड जो हैं वो हों और मैट में हों। इनको आप एज अ आई लाइनर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इवन के अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए, और साथ ही ब्राउन कलर को आप कंटूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इसे थोड़ा सा डार्क लाइन चाहें तो ब्रश गीला करके भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं बहुत ही सॉफ्ट कलर अप्लाई करूँगी, ब्लैक कलर जो है। आई लैशेज़ को कर्ल करके मैं अपनी फोर्थ प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, जो कि है मस्कारा, और वो मैंने यहाँ पे मेबेलिन का ब्लैकेस्ट ब्लैक यूज़ किया है, ये भी आपको पंजाब मेकअप मॉल से आराम से मिल जाएगा। इसके बाद गैबरिनी ब्रांड का टेराकोटा ब्लशन मैं अप्लाई करूंगी चीक्स पर, अच्छी तरह ब्लेंड करके अप्लाई करूंगी, ताकि जो चीक्स हैं बिल्कुल नेचुरल पिंक लगे। ये बहुत ही खूबसूरत ग्लो देता है आपके फेस को। अगर आप इसे अप्लाई कर लेते हैं तो आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल आपको बता रही हूँ कि आप गैबरिनी की हाइलाइटिंग स्टिक यूज़ कर सकती हैं। मुझे आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी हाइलाइटिंग स्टिक के बारे में बताएं, तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। इसे मैं चीक्स, नोज़ और क्यूपिड बो पर अप्लाई कर लूँगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब लास्ट में लिप्स पर मैं अप्लाई करूँगी वाइसिट का ये गॉर्जियस लिप कलर टिंट, जो है बहुत ही खूबसूरती से लिप्स को 24 आवर्स के लिए कलर देता है। बच्चियाँ इसे अप्लाई करने के बाद जो मर्जी खाएँ और करें, कलर जो है वो लिप्स के ऊपर बिल्कुल फेड नहीं होता। आप खुद भी अपने लिए इसे यूज़ कर सकती हैं, कमाल की प्रोडक्ट है। इसको लगाने के बाद हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं कर्ल्स को थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी ताकि वो खूबसूरत और नेचुरल कर्ल्स बिल्कुल लगे। तमाम प्रोडक्ट्स अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। उम्मीद है कि वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।